हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुणे फैमिली व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो पूरी देखना, बहुत ही अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह है। अमन, वीडियो ले रही हूँ। तो अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, बोलो कहाँ पे लेकर आए हम लोग को? आए हैं दोहा फोर्ट। दोहा फोर्ट में आए हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग ने सुना था कि यहाँ पर कुछ इवेंट होता है, तो हम यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं है कि कहाँ पर होता है इवेंट। और यहाँ पर क्या है, एक्वेरियम है यहाँ पर। तो देखते हैं, किसी से पूछते हैं कहाँ पर है एक्वेरियम। आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग पहुंच गए एक्वेरियम के पास। किसी से पूछे कि एक्वेरियम कहाँ पर है, तो उसने बताया वहाँ है। देखो ये मेरे पीछे, वैसे आप लोग पीछे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, ये जो पीछे है ना, वो एक्वेरियम है। क्या बोल रहे गुलजार? क्या बोलना चाहिए यहाँ पर? गुलजार कुछ नहीं बोल सकते, वैसे भी गुलजार कम ही बोलते हैं। देखो कितना जूम होगा, देखो दीदी, लेकिन पता भी हो कि है ना तेजी से चलती है। यहाँ पे हम देखो, देख सकते हो पहली में काम करते हैं। ईसा यहाँ जाना है अपने को। ईसा यहाँ से एंट्रेंस कहाँ से है? देखते जाके। कितना बड़ा है ये डिजाइन, क्या हिसाब से बनाया? मुझे क्यों बाबा रोगे? ऐसी है बाबा की साइड से, मत चल। ईसा को सब मालूम है, एक्सप्लोरर है वो भी। वहां से क्रूज का एंट्रेंस है और यहाँ से एक्वेरियम का, क्रूज का डिपार्चर एंड अराइवल वहां पर आता है। तो जिसको क्रूज पे जाना है तो वो वहां से जा सकता है। ठीक है, ये है इसका एंट्रेंस। इट्स फ्री? ओके, ये है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। देखते हैं क्या है, छोटा सी एक्वेरियम है। ये क्या है, बर्ड के जैसे? ये कैसे जा रहे हो लोग? एकदम ग्रुप बना के ना?
पफर फिश। नहीं, इसको बाहर निकालेंगे तो ही फुलती है। कहाँ है ब्लू वेल? कहाँ है? हाँ बोले वहाँ पर भी है वो सामने शार्क तो मुझे नहीं दिखाई। हाँ हाँ दिखी 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 दिखी। हाँ शार्क ऐसा आगे आगे देखो कैसा इसके अंदर देखने से चक्कर आ रहे होगा हम लोगों को। फल है, दिस इज फल, यही है फल। हाँ होना तो थोड़ा और चाहिए था लेकिन ये फ्री है ना तो इसलिए ऐसे रहता है। चलो ना आओ ना उधर उधर देखो और क्या है यहाँ पर। देखिए ना डिस्कवर द एक्सपीरियंस इन फर्दर। तो अभी हम लोग ने एक्वेरियम देखकर हो गया, अब हम जा रहे हैं वो साइड, वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, अपना मरीन ड्राइव जैसा लगता है थोड़ा। ग्रास उगा दिए ना इन लोग ने, यहाँ पर जो रहते हैं ना वो लोग आ सकते हैं खाना पीना पानी सब लेके, है ना अमन? पिकनिक मनाने के लिए। वैसे भी लोग भर भर के लाते हैं यहाँ पर खाने के लिए, जब से मैं देख रही हूँ गार्डन में सबके पास इतना इतना खाने का सामान, आराम से बैठकर खाते पीते बच्चे खेलते। भूख तो मुझे लगी जाती कि इतना लोग खाते कैसे और हम लोग निकलते पानी की बोतल लेके, वो भी वजन वजन भारी पड़ जाता है, इतना सामान लेंगे कैसे, वजन होता है ना बहुत ज़्यादा। अभी वो सारी बिल्डिंग्स की लाइट्स ऑन हो जाएगी धीरे धीरे, ये सब देखो एक एक दो दो हो रही है, बाकी सब हो जाएगी। अच्छा लगता है रात को जब लाइट्स ऑन होती है। अहमद ये देखो रात में सब लाइट्स ऑन हो गई है। पैलेस दिख रहा ना वो एंडम मॉल है सामने, कौन सा वो पैलेस जैसा दिख रहा है जो बड़ा था मॉल है, वो मॉल है एंडम मॉल, और वो पल वो वाला। चलो देखो ये रात का सीन कैसा है यहाँ पर। अभी हम लोग को जाना है वो वहाँ दिख रहा है ना वहाँ पे जाना है हम लोग को, देखते हैं वहाँ पर कुछ इवेंट वगैरह वहाँ पर होता है क्या पता, बोल तो रहे होता है। उसके बाद ये कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगता है ये सब देखने में। इबा ये रुक जाते हैं।
यहाँ पे ना जो ये वाली राइड होती है ना फ्री होती है, कहीं भी मॉल में या बीच पे अगर ये वाली जो रहती है ना कार, इसको क्या बोलते हैं, वो फ्री रहेगी। अगर आप कहीं से भी आप ले सकते हो और कहीं भी ड्रॉप कर देंगे आपको, पिकअप ड्रॉप। यहाँ पे हम इतना ज़्यादा चले, पूरा दोहा पोर्ट चल के आए यहाँ पर। ये जो मतलब रास्ते में थोड़ा सी वो कार में बैठे, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना हुआ, इतना ज़्यादा थक गए थे, वो भी सिर्फ बीच में काम चालू था तो वो भी पूरा घूम कर आना पड़ा। ये कंटेनर वाले जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पर, दिखने में थोड़ा अच्छे दिख रहे थे, जो कि दिन में ज़्यादा अच्छे दिखते, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा वहाँ से आने में, बहुत घूम कर आए ना इस वजह से। अच्छा था, लेकिन ये भी फ़ोटो सेशन के वजह लिए, मतलब आप कर सकते हो, अच्छा लगता है। पूरा ऐसी बना हुआ है कंटेनर, ऊपर से भी जा सकते हो आप, नीचे से भी सी वॉक कर सकते हो। ये भी देख, नकली लग रहा है ना वो मॉल की तरह। हम लोग एक्चुअली यहाँ से वॉक इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग को जाना था मियाँ पार्क, जो मियाँ पार्क है सोक्वागिप के जस्ट सामने या उसके थोड़ा करीब में ही है। लेकिन यहाँ से चलते 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 हम लोग को मतलब डायरेक्शन ही नहीं बता रहा था, उसका एंट्रेंस ही नहीं पता चल रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और थोड़ा सी रेस्ट किए। ये कैसी सीट बनी हुई है, यहाँ पर बैठे, और ये हम लोग को दिखा फ्लैग प्लाज़ा, इसको बोलते हैं यहाँ पर मतलब हर कंट्री के आपको मिलेंगे फ्लैग, और अपने इंडिया का भी है जो कि मतलब हवा नहीं आ रही ना, तो नहीं दिख रहा है। और फिर यहाँ से हमने कैब किया, खेलो ना पार्क तो है, और फिर कैब के बाद चले गए खाने के रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा था, मस्त दिख रहा था, कुछ अलग। यहाँ पे अब हम खाना खाने आ गए आराम से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे दूसरे भी वीडियोस देखें।